सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न, भारत के सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर INDIC क्यों लिखा हुआ होता है? दरअसल गाड़ियों पर अलग अलग प्रकार की नंबर प्लेट्स होती है और उन पर कोड और कुछ नंबर भी अंकित होता है, परंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन नंबर प्लेट्स पर INDIC भी लिखा हुआ होता है? इसका क्या अर्थ होता है और इसका क्या महत्व होता है? चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल INDIC शब्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की विशेषताओं की एक सूची का हिस्सा है जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1979 में 2005 के संशोधन के भाग के रूप में पेश किया गया था। यह INDIC हाई सिक्योरिटी नंबर RTO के रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वेंडर के पास ही मिलता है और अगर कायदे से लिया जाए तो INDIC नंबर प्लेट्स हो तो उसके ऊपर एक क्रोमियम प्लेट होलोग्राम भी होता है जिसे हटाया नहीं जा सकता है। उस सुरक्षा नंबर प्लेट लेने के पीछे सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य कारण है। इन नई प्लेटों को कुछ खास सुरक्षा सुविधाएं दी जाती है जैसे टेम्पर प्रूफ और स्नैप लॉक सिस्टम जिसे हटाया नहीं जा सकता। सड़क के किनारे विक्रेताओं द्वारा स्नैप लॉक को डुप्लीकेट करना लगभग असंभव सा है। ये प्लेटें आतंकवादियों द्वारा चोरी या दुरुपयोग के खिलाफ गाड़ियों के मालिकों की सुरक्षा भी प्रदान करती है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला दूसरा प्रश्न, गंगा में बहाई गई हस्तियां कहां जाती है? दरअसल जब इन वायु हस्तियों का पता लगाने के लिए गंगा के आगमन से लेकर गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर तक खोज की गई तब भी यह प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया कि हर साल लाखों लोगों की अस्थियां बहाने के बाद ये अस्थियां कहां चली जाती है। दरअसल हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए मृत शरीर की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अस्थियां सीधे ही विष्णु भगवान के चरणों में विकृत हो जाएंगी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा जल में पारा होता है जिसे हड्डियों का कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है। इसके अलावा हड्डियों में सल्फर भी होता है जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पारद शिव का प्रतीक है और गंधन शक्ति का प्रतीक भी है। इस प्रकार सभी जीव अंत में शिव और शक्ति में विलीन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि गंगा नदी में अस्थियां डालने के बाद वो गायब हो जाती है या ये अस्थियां पूरी तरह से घुल जाती है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला तीसरा प्रश्न, मोबाइल फोन स्विच ऑन करने के बाद भी डिजिटल घड़ी समय की गणना कैसे कर लेती है? दरअसल फोन में सॉफ्टवेयर लोड होता है जो कि सिम कार्ड को लगाने पर नेटवर्क से डाटा लेकर ऑटोमेटिक मोड में टाइम सेट कर देता है। इसी फीचर को आजकल एंड्रॉयड फोन में भी दिया गया है। दरअसल आप जिस भी टाइम जोन में रह रहे हैं नेटवर्क वहां के टाइम को बताता है। इसी सबसे खास बात यह है कि इस एरिया में रहने वाले सभी स्मार्टफोन का टाइम एक समान होता है, जबकि 80-90 के दशक में स्टेशन के टाइम से कलाई घड़ी सेट करने लगाने वाले लोगों से जब लोग एक दूसरे की घड़ियों से टाइम का मिलान करते थे तो अधिकतर लोगों की सही समय की तुलना करने पर 5 से 10 मिनट का डिफरेंस जरूर होता था। और खास बात यह है कि यह सभी कहते थे कि मेरी घड़ी का टाइम सबसे परफेक्ट है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला चौथा प्रश्न, इतिहास की सबसे खतरनाक सजाएं कौन कौन सी है? दरअसल इतिहास की सबसे खतरनाक सजा काफी सारी है जिसमें कि हम आपको कुछ बताएंगे। नंबर एक, पीतल का बैल। प्राचीन यूनान में अपराधियों को सजा देने के लिए यह बहुत ही कॉमन तरीका था। पीतल से बने एक विशाल बैल के अंदर अपराधी को बैठा दिया जाता था और इसके नीचे आग लगा दी जाती थी। दर्द में तड़प कर तिल तिल कर वह अपराधी अपनी जान दे देता था। नंबर दो, 3 दिन में होती थी मौत। दरअसल 15वीं शताब्दी के रोमानिया में अपराधियों को मरने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था। उन्हें एक नुकीले डंडे पर बैठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर उठा दिया जाता था। अपराधी के वजन से ही वह नुकीला डंडा उसके शरीर में घुस जाता था। हवा में लटका हुआ अपराधी 3 दिन के तड़प के बाद भी मर जाता था। नंबर तीन, नुकीला कड़ा। अपराधी की गर्दन में एक लकड़ी या मेटल का बेहद नुकीला कड़ा डाल दिया जाता था जिसकी वजह से ना तो वह खा पाता था ना ही कुछ पी पाता था। सोना तो बहुत दूर की बात है, महीनों तक अपनी गर्दन भी घुमा नहीं पाता था। नंबर चार, जीसस क्राइस्टस की मौत। जीसस क्राइस्टस को सूली पर चढ़ाना अपने आप में ही सजा देने का एक बेहद अमान्य तरीका था। जीवित व्यक्ति के शरीर में कीले ठोककर टांग देने की यह परंपरा आज भी बहुत से देशों में निभाई जा रही है। सूली पर चढ़ने के बाद व्यक्ति को मौत के आगोश में जाने के लिए कई दिन भी लग जाते थे। नंबर पाँच, गर्म तेल से मौत। सजा देने के सबसे कूतम और अमान्य तरीकों में से एक है अपराधी के पेट या फिर शरीर के अन्य किसी हिस्से में गर्म तेल या तार या फिर खोलते हुए पानी को डालना। इसके बाद व्यक्ति की आंख में गर्म चांदी को डाल दिया जाता था। यह बेहद ही कष्टदायक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे व्यक्ति दर्द से कराते हुए अंतिम सांस लेता था। नंबर छह, कॉफिन टॉर्चर। मध्य युग में सजा देने का सबसे प्रचलित तरीका था। इस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को एक ऐसे कॉफिन या पिंजरे में डाल दिया जाता था जो उसके शरीर के साइज से बहुत छोटा होता था। असहजता और गुनाहगार की परेशानी की ओर बढ़ाने के लिए अत्यधिक भार वाले अपराधी को अधिक छोटे पिंजरे में डाल दिया जाता था। नंबर सात, पक्षियों का भोजन। इसके बाद इस पिंजरे को पेड़ से टांग दिया जाता था। उनका शरीर यह परेशानी नहीं सह पाता था और महीनों के कष्ट के बाद दम तोड़ देता था। इसके बाद भी अपराधी का मृत शरीर उसी पिंजरे में तब तक बंधा रहता था जब तक कि कौवे और अन्य पक्षी उसके शरीर को अपना भोजन नहीं बना लेते थे। नंबर आठ, हड्डियों को तोड़ना।
प्राचीन समय में जब सभ्यता का नामो निशान भी नहीं था, जब व्यक्ति के भीतर भावनाओं का प्रचलन भी नहीं हुआ था, शायद यही वजह है कि उस दौर में अमान्यता की हद से भी आगे गुजर कर सजा दी जाती थी। इसी कड़ी में अगला नाम है विशेष हथियार से पहले पैरों, हाथों और उंगलियों को तोड़ना, उसके बाद घुटने कोनी की हड्डियों को उसी हथियार से तोड़ डालना था। नंबर 9, मनोरंजन का साधन। जीवित व्यक्ति को रस्सी की सहायता से पेड़ से टांग दिया जाता था। शिकारी पक्षी उसके जीवित रहते हुए भी शरीर का सारा मांस खा जाते थे। मध्ययुगीन लोगों के लिए यह एक मनोरंजन का साधन भी था। नंबर 10, जीव काट डालना। खैर यह सब तो आज भी होता है, लेकिन मध्ययुगीन हालातों में इसका स्वरूप और भी खतरनाक था। अपराधियों या अभियुक्तों को जीव काटकर उन्हें तड़पा हुआ छोड़ दिया जाता था। कुछ जीवित बच जाते थे तो कुछ असहनीय दर्द की वजह से अपनी जान दे देते थे। नंबर 11, चूहों का भोजन। जीवित मनुष्य को एक तंग से डिब्बे में बंद कर दिया जाता था। डिब्बे में चूहों को छोड़ दिया जाता था। यह चूहे धीरे धीरे उसका शरीर खा जाते थे। नंबर 12, सीमेंट के पैर। अमेरिका के एक माफिया द्वारा इस तरह की सजा का आरंभ भी किया गया था। वह ऐसा कर अपने दुश्मनों, जासूसों और सरकारी नुमाइंदों को सजा देते थे। इसके अंतर्गत पकड़े हुए व्यक्ति के पैरों को सीमेंट से जमाकर उसे गहरे पानी या नदी में छोड़ दिया जाता था। पानी के भीतर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती थी। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 5वां प्रश्न, पेशाब करके आने के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? दरअसल हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वह इसके लिए हर संभव कोशिश भी करता है, परंतु अगर गलत समय पर पानी पी लेता है तो यह बीमारी का कारण भी बन जाता है। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि क्या तुरंत पेशाब करके आने के बाद पानी पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। दरअसल जब भी हम पेशाब करके आता है तो उसके तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमें पानी उसके कम से कम 10 मिनट बाद पीना चाहिए। अगर हम तुरंत ही पानी पी लेता है तो हमें पेशाब से संबंधित कई बीमारियां भी हो सकती है। दरअसल जब भी पेशाब करने के लिए जाए उसके तुरंत बाद पानी न पिए, उसके 10 मिनट बाद ही कम से कम पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पेशाब करने के लिए जा रहे हैं और हम पहले ही पानी पी लेता है तो उसके तुरंत बाद पेशाब करने के लिए चले जाता है तो ऐसा करना गलत नहीं होगा, बल्कि यह ज्यादा ठीक होगा। इससे पेशाब से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 6वां प्रश्न, मिठाइयों के ऊपर में चांदी का लेप क्यों लगाया जाता है? दरअसल सबसे पहले तो हम आपको यह भ्रम खत्म कर देते हैं कि वह चांदी का लेप होता है। हमें ठीक से समझ लेना चाहिए कि यह 99% में एल्युमिनियम का होता है, बल्कि यह किसी बहुत महंगी मिठाई में चांदी का वर्क लगाया जाता है। दूसरा तथ्य यह है कि अगर मान भी ले कि एल्युमिनियम का यह वर्क स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है तो किसी भी हाल में लाभदायक तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसे सिर्फ मिठाइयों की प्रेजेंटेशन वैल्यू बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत जैसे एल्युमिनियम का वर्क बनाया जाता है वह जानने के बाद भी कोई भी उसे खाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह संवेदनशील इशू है और अधिकांश अमान्य तरीके से बाजार में भी आता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 7वां क्वेश्चन, सूरज का प्रकाश मनुष्य के जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है? दरअसल सुबह से शाम तक सूरज अपनी किरणों, जिसमें औषधीय गुणों का अपार भंडार है, अनेक रोग उत्पादन करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देता है। टीवी के कीटाणु उबलते पानी से भी जल्दी नहीं मरते, बस सूरज के तेज प्रकाश से सीख नष्ट हो जाता है। फिर दूसरे जीवाणुओं के नाश होने के संदेह तो क्या है? स्वस्थ रहने के लिए जितनी शुद्ध हवा आवश्यक होती है उतनी ही प्रकाश भी आवश्यक होता है। प्रकाश में मानव शरीर के कमजोर अंगों को पुनः सशक्त और सक्रिय बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इस तरह सूरज प्रकाश जो प्रत्यक्ष रूप से आता है वह मानव के लिए बहुत जरूरी होता है। सूरज के प्रकाश का संबंध सिर्फ गर्मी से नहीं होता, इसका मनुष्य के आहार के साथ भी घनिष्ठ संबंध होता है। छोटे बड़े पौधे व वनस्पतियों के पत्ते सूरज की किरणों के संघनन से क्लोरोफिल नामक तत्व का निर्माण करते हैं। इस तत्व के बिना पत्तों में कुदरती हरापन नहीं आता है। के द्वारा पूछा जाने वाला 8वां क्वेश्चन, आसमान रात को काला क्यों दिखाई देता है? वास्तव में आसमान काला ही होता है, लेकिन वायुमंडल में धूल नमी के कण निलंबित रहते हैं। टिंडन के अनुसार जब इस पर सूरज का प्रकाश गिरता है तो यह कण नीले प्रकाश को प्रकाशित करता है, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। चूंकि रात के समय सूर्य प्रकाश नहीं होता, इसी कारण आसमान रात को काला दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।